बेरियागंज थाना क्षेत्र के भदाव गांव निवासी राजीव के 15 वर्षीय पुत्र प्रियांशु की तबीयत 29 अगस्त को खराब हो गई। किशोर द्वारा पेट दर्द की शिकायत करने पर परिवार के लोग उसे मालताड़ी स्थित एक चिकित्सक के पास ले गए तो चिकित्सक ने उसे दवा देकर घर भेज दिया। दवा खाने के कुछ ही देर बाद किशोर की तबीयत अधिक खराब हो गई और पेट दर्द बढ़ने लगा तो परिवार के लोग उसे जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में भर्ती कराए, जहां कुछ ही घंटे में उसके शरीर पर काले चकत्ते पड़ने शुरू हो गए। राजीव के मुताबिक चिकित्सक ने बताया कि दवा के रिएक्शन के कारण किशोर का लीवर और किडनी प्रभावित हुआ है। इसके बाद जब चिकित्सक द्वारा दी गई दवा को देखा गया तो वह एक्सपायर मिली। सोमवार की देर रात उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। चिकित्सक की लापरवाही से नाराज परिवार के लोग रात में ही मालताड़ी स्थित चिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंच गए। वहां जाने पर पता चला कि चिकित्सक पहले ही क्लिनिक पर ताला मार फरार हो गया है। इस मामले में बिलेरियागंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? भदाव। अच्छा, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ ये? मेरा भतीजा था। हाँ। उसको पेट दिक्कत थोड़ी थी, बुखार हल्का सा था, वो दवा लेने गया मालटरी बाजार में डॉक्टर चौहान के, और उन्होंने दवा दिया, कुछ उसमें दवाएं डेट एक्सपायर थी, और उसके खाने के बाद उनको दिक्कत होने लगी। क्या दिक्कत होने लगी? दिक्कत पेट में जलन होने लगी उनको बार बार, और पेशाब उनका कम हो गया, बंद हो गया, और फिर हम लोग लेकर गए आजमगढ़ लेकर गए, आईसीयू में डाले उनको। आईसीयू में डालने के बाद उनका रिएक्शन जो था दवा का, इनकी दवा का, और जब बहुत से ज़्यादा फैल रहा था उनके शरीर पे, कल यानी कै तारीख था? 29 को भी उसके हाथ में थोड़ा जगह जगह छत्ता छाला, मतलब वो इस टाइप पड़ गया था, काला काला। डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर बता रहे थे कि इनका वो जो लीवर और किडनी है उस पर इफेक्ट हुआ है दवा का, इसीलिए इनकी मौत हुई है क्या? अच्छा, ये कौन है डॉक्टर? डॉक्टर अशोक चौहान। डिग्री उग्री है इसके पास ही? अब बता नहीं सकते अब डिग्री है कि नहीं है, पर्चा है हमारे पास, डिग्री तो ऐसी। अभी कहाँ है डॉक्टर ये? अभी डॉक्टर तो डॉक्टर कुछ भी नहीं है, बी एच एम ए लिखे हैं।